हे व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, कोक स्टूडियो भारत के तरफ से एक खतरनाक अपडेट आया है, बिल्कुल, जिसका नाम, गाने का नाम है लेता जय जो रे। हाँ। मतलब हमारे जो राजस्थानी, हाँ, फोक हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नाम ऐसे लग रहा है और थंबनेल में भी ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। और हमारे आर्टिस्ट है शाश्वत सचदेव एंड सुनिधि चौहान एंड छोटू खान जी। हाँ। मतलब ये नाम से ही लग रहा है कि वो टिक 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 वाले, आयो रे भायो रंगीलो मेहमान, अरे चोरा चोरी फर्क न समझे मारे सब पे जलांग, मरवाएगा तू टर्की, भिजवाएगा तू टर्की, अरे मत कर मत कर मत कर मत कर, तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो वेरी नाइस, मेरे को राजस्थानी गाने वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस, ज्यादा टाइम पास न करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन जरूरी है। सुनते हैं सुनिधि चौहान जी का आवाज और छोटू लेजेंडरी सुनिधि चौहान जी का आवाज, क्या बात है, और मजेदार भाई, मजेदार रहेगा। चलो सुनते हैं, आते हैं गाने पे, बिल्कुल, लेता जय जो रे, बिल्कुल। लेट्स सी इस बार क्या किया है। लास्ट टाइम इन्होंने उत्तराखंड का रेप्लिका बनाया था पूरा, बिल्कुल, पंजाबी भी हो गया, उत्तराखंड का भी हो गया, अभी ये राजस्थानी फील होगा, समझ नहीं आ रहा है, थंबनेल देख के ही पता चल रहा है। तो आते हैं सीधा, आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो गाइस। कोक स्टूडियो भारत सीजन 2, ओके, सब्सक्राइब नाउ, कर दिया जी। ओके, नाइस। अच्छा, ब्रास बैंड भी है, हारमोनियम बजा भी रहे भाई। लेता जाय जोरे दिलड़ो दे, ए नाइस नाइस, क्या बात है, नाइस। लेता जाय जोरे दिलड़ो देता जाय जो मारी सखी नाना दे बैरा बीरा, अच्छा ओके ओके ओके, मारो लेता जाय जोरे सखी नाना दे बैरा बीरा रे रु, क्या बात है, मारो लेता जाय जो, लेता जाय जोरे दिलड़ो देता जाय जो, क्या बात है, मैच कट में अगर ये होता ना, उसने कड़ताल जो बजाई है ना, उन्होंने बजाना पहले ही चालू कर दिया, पर साउंड बाद में आया, तो थोड़े से वीडियो में इधर उधर चीजें हैं, मैं और बताऊंगा आप लास्ट को, पहले मैं सुन लेता हूं, बिल्कुल ठीक है। बट छोटू खान जी का आवाज और पूरी टीम का और ब्रास बैंड ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं सुनिधि जी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी औकात नहीं है, वो बहुत लेजेंडरी है, बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। सुनिधि जी वैसे भी, उनका आवाज तो वैसे भी यार एक अलग ही मजा आता है। शॉट अच्छे थे, शॉट अच्छे यूज किए, वाह। पानी रे बोलो कैसे ये मिलेगी छैया, लेता जाय जो रे दिलड़ो देता जाय जो, लेता जाय जो, हां
यार चलो ठीक है, मैं समझ गया कि इसमें थोड़ा सा ये किया है, बट एक वीडियो में ढक्कन एक मिनट रुको मैं वापस देखता हूँ, मैच नहीं हो रहा। अरे मैं ये बोल रहा था गाइस, जब जॉनर शिफ्ट हुआ तो एक मिस्टेक इसमें ये हुई है कि जब एक डीजे ये देखो जहाँ पे मैंने पॉज किया है, जब वो क्यू करते हैं ना तो हम लोग प्ले और क्यू रहता है ना, तो प्ले करने का तो उन्होंने प्ले के जगह पे उन्होंने इफेक्ट की बटन दबा दी मिक्सिंग कंसोल पे, कंसोल देखना कंसोल है ना वहां पे जो रखा है कंसोल, तो मिक्सर में उन्होंने एक्चुअली प्लेयर पे प्लेयर बंद दबाना चाहिए था, तो प्लेयर का लेना चाहिए था उसकी इफेक्ट की दबन, और वो भी उन्होंने क्रॉसफेड इधर कर दिया। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है कि अगर मतलब वो छोड़ के अगर प्ले क्यू और प्ले के बटन पे अगर उन्होंने प्ले किया था तो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। बिल्कुल, अब वो इफेक्ट के मिक्सर पे एनालॉग लगा के बट वाव। अरे गाना खत्म होने के बाद वो नाच क्यों रहे गाइस, थोड़ा सा ना नाच ही रहे हो। चलो ठीक है, जो गाइस एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि गाना जो है गाना अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, बट अगर मैं थोड़ा सा डीप जाऊं जैसे कि हम लोग बाकी कोक स्टूडियो के गाने रिव्यू करते हैं, बिल्कुल जी, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा गाइस कि इसका कंपोजिशन कंपोजिशन और इसका आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम्स जो है वो कोक स्टूडियो वाले हैं, कोक स्टूडियो भारत जब आता है तो फ्रेंचाइजी के एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है अपने को बिल्कुल बिल्कुल राइट तो हाँ, जैसे कि आप देखो होता क्या है कि जब आप नॉर्मल गाने सुनते हो आप और जब आप कोक स्टूडियो के गाने सुनते हो चाहे वो कोई भी हो फिर कोई भी हो चाहे वो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो या भारत हो, बिल्कुल ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ ना कुछ आपको अरेंजमेंट में या कुछ अलग सुनने मिलेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि मैंने जो देखा है कि
कंपोजिशन प्रॉपर, कंपोजिशन बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे स्टूडियो भारत के लिए, भारत के लिए। और दूसरी चीज इसका आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम्स प्रॉपर मैच कर रहे हैं। बट अगर जहां पे मैं और वीडियो भी हाँ कई हद तक मतलब 60% मैं बोल सकता हूं कि कोक स्टूडियो भारत जैसा लग रहा है। बट अगर मैं बाकी 40% में जैसे कि थोड़े थोड़े जो चीजें हैं, जैसे कि उन्होंने आलाप लिया था छोटू खान जी के साइड में है, उन्होंने आलाप लिया था तो इधर वो ऐसे ही देख रहे थे नॉर्मली, तो थोड़ी सी मैच कट में इधर उधर हुआ है और वो इफेक्ट वाली बटन है और बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ शॉट है जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि यार ये ऐसे नहीं निकलना चाहिए, ड्रम भी प्रॉपर सिंक नहीं था ना। हाँ, जो एकदम स्टार्ट वाले इसमें, हालांकि किक ड्रम की नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ड्रम ड्रम किट जो वहां पे ड्रम सेट जो वहां पे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल किक बिल्कुल भी ड्रम से मैच नहीं हो रहा है। हाँ, समझ रहे, किक अलग है। हाँ, स्नेहर स्नेहर भले ही उस पे सूट हो रहा था, बिल्कुल स्नेहर आवाज आ भी रहा था। हाँ, बट किक तो बिल्कुल भी वैसे नहीं था। आपको किक तो बहुत ज्यादा डिजिटल, राइट राइट। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि और एक चीज जो है वो प्रॉपरली कोक स्टूडियो भारत को मैच कर रही थी वो है ब्रास बैंड, जो बीच में आया था, बिल्कुल बहुत अच्छा। बट उसको उसके साथ अगर हम लोग खेल सकते थे तो बहुत अच्छा होता था, बिल्कुल ठीक है। तो अरेंजमेंट के एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स आपने ये एलिमेंट्स कहीं ना कहीं सुने हो सकते, बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। तो आपको एलिमेंट्स में भी जब भारत की बात आती है, हम लोग कोक स्टूडियो की बात आती है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें बहुत यूनिकनेस होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने जॉनर शिफ्ट करके स्लैप हाउस में आ गए, ठीक है, तो प्रॉपर हाउस स्लैप हाउस में आए हम लोग। तो स्लैप हाउस को अगर करना है तो हम लोग बहुत ही और पंची कर सकते थे, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि म्यूजिक में और ज्यादा खतरनाक काम हो सकता था, जो मेरे को ऐसे लग रहा था कि हाँ मैं सुनता हूँ ऐसा टाइप का। बट हाँ, मैं जरूर बात करूंगा ब्रास बैंड, कंपोजिशन, आर्ट डायरेक्शन एंड 60% वीडियो, और इसमें जो स्नेहा आई थी बीच में, बिल्कुल वो, बाकी तो अरेंजमेंट वो कोक स्टूडियो वाला, कोक स्टूडियो भारत वाला। हाँ, ये थोड़ा कहीं ना कहीं ये हुआ, बाकी पूरा काम बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा काम। जैसे कि जयपुर कावा कावा ब्रास बैंड, कौशर मुनीर जी है, छोटू खान जी ने बहुत अच्छा ये किया है, बिल्कुल। तो लिरिक्स फोक है। हाँ, तो नहीं ये सब ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही थी ना वहां पे, तो ये सब बातें है गाइस, बिल्कुल। तो अच्छा है, गाना अच्छा है। हाँ, गाना बहुत अच्छा है, नो डाउट। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। बट कुछ कुछ जो चीजें हैं, मेरा काम है रिव्यू करना, तो मैंने आपको बोला है, ठीक है, सिर्फ अपने को ये जो मुझे लगा मैंने वो बोला। म्यूजिक और प्रोडक्शन अपने को उस पे कोक स्टूडियो भारत के हिसाब से नहीं लगा, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। हाँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा हो गया, बाकी सही है। बाकी आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने मेरा पॉइंट रख दिया है। बट अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना। बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत, पीस आउट।